हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रौनक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉम कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं सखिया 2.0 फ्रॉम द मूवी बेल बॉटम, जिसमें स्टार कर रही है वाणी कपूर एंड वेल अक्षय कुमार। इस गाने को गाया है मनिंदर भुत्तर और ज़ारा खान ने, इसे कंपोज किया है मनिंदर भुत्तर और तनिष्क बागची ने। सो ये एक्चुअली मनिंदर भुत्तर का ओरिजिनल गाना है जिसपे मैंने रिएक्ट किया है। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा एंड आप लोग मेरा पंजाबी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ढेर सारे पंजाबी गाने हैं जो कि मैंने इससे पहले रिएक्ट किया है, जिनका रीमेक बहुत बार हो चुका है, तो प्लीज़ चेक इट आउट। मैं थोड़ा सा लेट हूँ उस रिएक्शन को देने में, लेकिन लेट्स रिएक्ट टू दिस इन 3, 2, 1 एंड गो। पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा। Shout out to all the hopeless romantics. थोड़ा सा पॉप कर दिया गया इस गाने को। सखियां ने मैनू मेरे भार दिया, बुटियां ने चन्ना गला प्यार दिया, सखियां ने मैनू मेरे मार दिया, बुटियां ने गला चन्ना प्यार दिया, शाम ने तू किथे किदे नाल होना या, वेखियां मैं फोटोआं विखार दिया, डर जिहा लगदा है दिल टुट ना जाए बेचारा, तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा, तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यार। I like his glasses. जब मैं अकेले मुझे याद तेरी आती है, झूठी झूठी बातें तेरी मुझको सताती है, कभी कभी फिल्मा, कभी कभी फिल्मा दिखा दिया कर, हो कभी कभी मैंने भी घुमा लिया कर, कभी कभी फिल्मा दिखा दिया कर, कभी कभी मैंने भी घुमा लिया कर, तुझसे कभी जरूर उठ जाऊं एक बार, आके मुझे तू मना लिया कर, तू जिस कल तो रोके मैं कल ना करा दोबारा, तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा, तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा। मेरा नहीं होर कोई हल किसे ना, एक पासे तू बब्बू एक पासे है जग सारा, तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा, तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा। सखियां ने मैनू मेरे मार दिया, बुढ़िया ने गला चना प्यार दिया, शाम ने तू किथे किदे नाल होना या, वेखियां मैं फोटोआं विखार दिया। So, क्या मैंने गाने को एंजॉय किया? Yeah, I did. बीट्स अच्छे थे। It's a catchy tune and अगर ऐसे बीट्स आप सुनोगे तो you can't stop yourself from moving. So I did that. But do I think it's a great remake? No, I don't. मैं मुझे नहीं लगता कि ये वो बहुत ही amazing remake है. I think the original song is definitely the better version. And एक ऐसा गाना है ना कि I don't know, for some reason I don't think that song can be remade. उस गाने को remake करना is not the best option. I like the original one and I think उसकी जो authenticity है, एक पंजाबीनेस है, एक raw पंजाबी feel है इस गाने पे, वो कहीं ना कहीं इस गाने में बिखर गई है, मतलब चली गई है. And I understand कि वो थोड़ा सा pop romantic idiom
टाइप का गाना बनाने की कोशिश की उन लोगों ने, एंड इट डेफिनेटली डजंट हेल्प कि वो जो कोरियोग्राफी इज अ लिटिल वियर्ड फॉर मी, स्पेशली सीइंग अक्षय कुमार ट्राई सो हार्ड. लाइक ही इज नॉट द बेस्ट डांसर आउट देयर, बट ही इज ट्राइंग, एंड एट दिस एज आई कैन नॉट डिनाई एनीथिंग, बट द सेम टाइम इट लुक्ड अ लिटिल वियर्ड. द स्टेप्स एंड कोरियोग्राफी गिवन टू हिम, आई डोंट रियली, आई वाज नॉट फीलिंग इट. That's what I felt, because see, Vani is a great dancer. She's a terrific dancer. अगर आपने वो जो वाहियात मूवी है जो उन्होंने रणवीर सिंह के साथ की है, I forgot the name, दिल बेफिक्रे, बेफिक्रे, yes, उसमें एक टैंगो उनका है परफॉर्मेंस है रणवीर के साथ, अगर आप लोगों ने देखा है, जो वो वेव्स देती है ना उस फिल्म में, ओ गॉड. इवन इन घुंगरू टूट गए, उसमें भी जो उन्होंने छोटा गाना है वो गाना, उसमें जो उन्होंने किया है एक्रोबैटिक्स, शी डिड जस्ट अमेजिंग, एंड इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट शी इज अ फैबुलस डांसर. बट फॉर सम रीजन दिस सॉन्ग इज नॉट द काइंड ऑफ सॉन्ग जहाँ पे उनके डांसिंग स्किल्स को एक्सप्लॉयट किया जा सकता है. द सेम टाइम दे वॉन्टेड टू मेक दिस सॉन्ग सो मेनी थिंग्स, रोमांटिक ट्रैक, एक पॉपी डांस नंबर, बट समहाउ इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी. ओके, आई थिंक द सॉन्ग इटसेल्फ इज समथिंग विच यू विल लिसन टू, आई विल लिसन टू इट बिकॉज इट हैज गुड बीट्स, बट डू आई, मतलब क्या ये गाना मेरे साथ हमेशा रहेगा? नहीं. सो आई विल डेफिनेटली प्रेफर द ओरिजिनल वन ओवर दिस वन, बट इट्स ओके, इट्स एंजॉयबल, इट हैज गुड बीट्स, सो आई विल लिसन टू इट. ओवरऑल मेरे लिए इट्स एन ओके सॉन्ग, ओके रीमेक. ओके, सो ये था मेरा रिएक्शन. अगर आप लोग को, आप लोग अग्री करते हैं तो प्लीज नीचे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट भी कीजिए. आप बताइए मुझे कि ऑफकोर्स ओरिजिनल और नए वाले पे आपको कौन सी अच्छी लगी, क्या आपको दोनों ही अच्छी लगी. अगर अच्छी लगी हो तो नीचे बताइएगा. ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, यू माइट डिसएग्री, यू माइट अग्री, बट वी ऑल हैव आवर ओन ओपिनियंस, राइट? सो आई विल रिस्पेक्ट योर्स, सो प्लीज रिस्पेक्ट माइन एज वेल. गाइस, दैट वॉज इट. अगर जल्दी से लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, हेल्प कीजिए मुझे 50,000 सब्सक्राइबर मार्क पहुंचने में. आप लोगों को मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए चाओ.